कि मौला जट में पंजाबी बोलनी थी, तो सबसे पहले उस पर मेरी टांगे कांपी। जान है तो जहान है, अगर जान नहीं रहेगी तो फिर काम का भी कोई फायदा नहीं मुझे लगता। 15 साल के बाद आप बड़ी स्क्रीन पे वापस आ रहे हैं पाकिस्तानी फिल्म के साथ, और वो भी पंजाबी फिल्म के साथ। इतना अरसा जी, काफी अरसा गुजर गया। इसमें बहुत कुछ हुआ भी है, एंड इट्स अनफॉर्चुनेट कि इतना टाइम लगा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए गैस। थोड़ा इट्स अ वेरी नर्वस टाइम बिकॉज 15 साल के बाद अब वापसी हो रही है, एंड आई थिंक उसमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, फिर कोविड भी आया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हुई जिसकी वजह से इतना डिले आया, बट जिसको कहते हैं ना वो सैलाब की तरह, द डैम इज़ अबाउट टू ब्रेक, एंड इंशाल्लाह सारा का सारा कंटेंट अब एक फ्लो में आएगा। तो अगर किसी को कुछ शिकायतें हैं तो मैं माजरत करता हूँ, एंड इंशाल्लाह अब आई थिंक यू विल गेट टू सी मोर ऑफ इट। अच्छा, ये भी कि आप बहुत ज़्यादा अपने किरदारों को लेके बहुत हैं कि यार ये करना है ये नहीं करना, क्या इसकी ये वजह? बिल्कुल है, ऐसी वजह है। एक तो मैं हमेशा से हमारे एक टीचर थे कॉलेज में, कहते थे कि सुस्ती 1000 नेमत है। तो जो काम आपको विदाउट मच लेस एफर्ट यू गेट मोर एफिशिएंसी, मोर वर्क डन, वो बेहतर होता है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि आई गेस मैं स्क्रिप्ट्स को भी देखता था, एंड आई थिंक मेरी कुछ तबीयत भी ऐसी, मेरी नेचर भी कुछ ऐसी है कि एक वक्त में एक से ज़्यादा काम जो है मेरे लिए बहुत मुश्किल पड़ जाता है। हमारे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि बहुत मल्टी टास्किंग हैं, वो बहुत आसानी से एक सेट से दूसरे सेट पर चले जाते हैं। मुझसे वो होता नहीं है, मुझसे इतनी मल्टी टास्किंग होती नहीं है, सो आई गेस इट्स अ लिमिटेशन ऑफ माइन। तो सर यही तो शिकायत है आपसे कि पाकिस्तानी सिनेमा को ज़रूरत है आपकी, कम अज़ कम साल में आप 2 फिल्में दें, सिनेमा चले, तवक्कुआत हैं आपसे, और आप सुस्ती आपने खुद कहा। ये दूर कैसे करें आपकी सुस्ती? दूर कैसे करें? क्या खिलाएं आपको, क्या पिलाएंगे? नहीं, आई थिंक जितना जो मेरे जो मेरी टीम्स हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं मेरा, एंड उसमें कोई ज़्यादा आई डोंट थिंक आई नीड एनीथिंग मोर देन दैट। बहुत प्यार मिलता है और बहुत प्यार से काम करते हैं। आई थिंक ये अगेन वही वाली जो बात है, मेरी नेचर कुछ ऐसी है हमेशा रही है कि एक स्क्रिप्ट की फेज़ पे बहुत सारे प्रोड्यूसर से बात होती है, एंड अक्सर औकात ऐसा होता है कि मुझे या तो लगता है कि मैं शायद उस कैरेक्टर के लिए सूटेड नहीं हूँ, या फिर वो आई एम नॉट इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड टू बी डूइंग दोज स्क्रिप्ट्स। मैं कर तो लूँ लेकिन मुझे लगता है द क्वालिटी ऑफ माई वर्क विल सफ़र। जितनी क्वालिटी मैं देता हूँ अगर वो नज़र आती है लोगों को, आई रियली पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, तो उसके बाद मैं थक जाता हूँ। मेरी आई थिंक एक कंडीशन भी है, आई एम अ डायबिटिक, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मोहतात रहना पड़ता है मुझे। जब मैं ओवर एग्जर्ट कर लूँ अपने आप को तो फिर उसके बाद दिन उसके फिर असरात भी नज़र आते हैं। सो दैट इज़ द ओनली रीज़न। अब आप ज़ोर ज़बरदस्ती करना चाहें तो फिर आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, आपने जैसे आपने कहा कि आप डायबिटिक हैं, क्योंकि डायबिटिक शख्स के लिए, मॉलेट के लिए जो आपने अपनी जिस माँ जिस आपने वज़न बढ़ाया अपना और फिर उसको कम किया, वो कितना तकलीफ दे अमन का पूरा? देखिए, तकलीफ़ दे हमेशा मुझे लगता है कि वज़न चढ़ाना शायद इतना शुरू में मुश्किल होता है, लेकिन जब आप इतना चढ़ा लें उसको उतारना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। और जो जिस तरह आपने पहले सवाल किया कि इतना अरसा लगा मौला जट के दौरान, एंड आई फील कि बिकॉज अगर मैं शायद मैं गलत नहीं कह रहा कि इट इज़ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट इन रीसेंट पाकिस्तानी फिल्म हिस्ट्री, एंड उसको करते करते वक्त भी लगा, और उसके लिए जो गेटअप था वो जितनी देर रहा उसके बाद जब वो फिल्म ख़त्म भी होगी तो उसको उतारते उतारते हुए बहुत टाइम लगा। तो इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, और सिर्फ एक डायबिटिक के लिए नहीं होता। मुझे याद है कि एक हॉलीवुड के एक्टर ने शायद इफ़ आई डिड नॉट मिसरीड इट, जेरेड लेटो नाम है उनका, और उन्होंने एक फिल्म थी जो जॉन लेनन के असासिन पे एक फिल्म बनी थी कि जिन्होंने जॉन लेनन को असासिनेट किया था, तो उसके लिए उन्होंने वज़न चढ़ाया उस फिल्म के लिए, और वो इतना वज़न चढ़ाया कि उसके बाद वो यूरिक एसिड के जो मरीज़ बन गया, एंड ही काइंड ऑफ सैड ही मेंशन दैट ही वाज लाइक फिजिकल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन इज समथिंग दैट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, एंड
उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं जो जिस्म पे पड़ते हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि ये काम जो है बहुत कम लोग कर सकते हैं, हर बंदे के बस की बात नहीं होती. सो आई थिंक इट्स नॉट जस्ट मी बीइंग अ डायबिटिक, आई थिंक जनरली बॉडी ट्रांसफॉर्मेशंस जो होती हैं और बहुत इसको कह सकते हैं एक्सट्रीम किस्म की बॉडी ट्रांसफॉर्मेशंस, दे आर नॉट नेसेसरली द बेस्ट थिंग फॉर योर सेल्फ फॉर योर ओन हेल्थ. तो जान है तो जहान है, अगर जान नहीं रहेगी तो फिर काम का भी कोई फायदा नहीं. मुझे लगता है 15 साल बाद आपकी फिल्म जरूर आ रही है, लेकिन ये पहली बार आपकी पाकिस्तानी फिल्म बतौर लीड एक्टर आ रही है, पंजाबी फिल्म है, और हमारे इतला दी है कि आपको पंजाबी बोलने में काफ़ी आपने उसके लिए मेहनत की, बहुत तरबियत दी कि आप पंजाबी बोलते नहीं बोलते जी. तो कैसे सीखी पंजाबी, वो भी इतनी ठेठ पंजाबी? अब ये तो मैं आई थिंक दिस इज ऑल इसका सारा क्रेडिट जो है अगेन टू द प्रोडक्शन डायरेक्शन टीम एंड स्पेशली नासिर अदीब साहब. ये चीज़ भी पंजाबी की भी जो है जो एक्सेंट होते हैं और डायलेक्ट होता है वो हर मुझे लगता है कि 25-30 किलोमीटर के बाद पंजाब में चेंज हो जाता है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा. सो ये चीज़ आइडेंटिफाई करना कि मौला जट किस तरह की, किस लहजे में, किस एक्सेंट में बोलेगा, तो ये तो एक आई थिंक फॉर अ प्रोफेशनल पंजाबी स्पीकर जो है ये उस फेज़ में आती है बात. बट मैं तो उससे पहले ही इतना जो है ज़्यादा कमज़ोर हूँ पंजाबी में कि ये भी एक एडेड चैलेंज था. सो इनकी आई थिंक कॉन्स्टेंट एडवाइस और ट्यूटरिंग के साथ ही ये मुमकिन हो पाया है कि इट वॉज़ अ वेरी साउंड बेस्ड एक्सपीरियंस इज़ वेल. क्यों ना, पंजाबी के कुछ अल्फाज जो हैं अगर आप किसी एक तरह से बोल रहे हैं फिर उसके बाद उसको किसी को खींच के बोलें तो उसका मज़ा ही चेंज हो जाता है. सो इट वॉज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग. मेरी एक्चुअली पैदाइश जो है कराची की है, सारी ज़िंदगी मेरी लाहौर में गुजरी है, बट बिकॉज हमारे घर में पंजाबी नहीं बोली जाती थी, हम स्कूल जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है फॉर सच अ फॉर रीजनल लैंग्वेजेस. और मुझे लगता है कि ये सिर्फ पंजाबी के लिए नहीं, सिंधी के लिए, बलोची के लिए, पश्तो के लिए ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन. आई थिंक अभी तक KPKA में तो फिर भी आई सी के हमारी जनरेशन के जो जो दोस्त हैं, पीयर्स हैं, वो पश्तो जो है काफ़ी फ्लुएंटली बोल लेते हैं, और आई थिंक किसी हद तक सिंध में भी है. बट लाहौर शहर में अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम्स के अंदर पंजाबी को इतना पुश नहीं किया जाता. एंड आई थिंक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पे कोई ना कोई एक हमारी सेकेंड लैंग्वेज जो है सिखाई जाए. और हमने जो है जब हम स्कूल्स में थे, बिकॉज हमारे स्कूल्स इस तरह के थे प्राइवेट स्कूलिंग सिस्टम के अंदर, पंजाबी वॉज नॉट समथिंग दैट वॉज स्पोकन. सो एक ही जगह जहाँ पे आप सीख सकते हैं, या तो घर पे या फिर जिस आपकी जो आपकी इन्वायरमेंट होती है, तो वो अनफॉर्चुनेटली मैंने कभी सीखी नहीं. एंड जब ये सिचुएशन आई कि मौला जट में पंजाबी बोलनी थी, तो सबसे पहले उस पर मेरी टांगें कांपी. एंड मेरे सामने एक पंजाबी के एक्सपर्ट जो हमारे विलन है फिल्म के, दूरी नथ थे, एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस, व्हाट एन एक्टर, व्हाट अ चार्मिंग पर्सनालिटी. सो ये एक और जो है आपको एक कॉन्स्टेंट फियर रहता है कि यार सीन जो है दो एक्टर से बनता है, अगर एक एक्टर जो है थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाए तो फिर सीन भी ख़राब हो जाता है. सो दीज चैलेंजेस वर देयर, बट विद द हेल्प ऑफ द टीम, नासिर अदीब साहब, बिलाल, एंड ऑब्वियसली हमारी प्रोड्यूसर जो है हमारा, विथ ऑल द टाइम दैट वॉज पुट इन टू इट, जितनी एफर्ट इसमें डाली गई, किसी ना किसी तरह हमने आई थिंक ये चैलेंज कबूल करके उसको एक्सेप्ट किया और कम्प्लीट भी किया. अच्छा, आपने सोचा कि यार मैं पुरानी वाला जट देखी है आपने, कि वहाँ से कुछ देखें? मैंने थोड़ी सी देखी है, बट अगेन जिस तरह कहते हैं ना कि पंजाबी जब आपको आती नहीं हो तो फिर आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है. मुझे जब समझ आ जाती है, और मुझे थोड़ी बहुत समझ आती भी है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो बात हो रही होती है वो शायद मेरे सर के ऊपर से निकल जाती है, बिकॉज आई डोंट नो कि क्या बात हो रही है. सो मैंने देखी है, बट आई हैव नॉट सीन द कम्प्लीट. मुझे लगता है जिस तरह आपने सही कहा, गंडासा कल्चर जो था पंजाबी फिल्म्स का, इट वॉज ये एक बड़ा एक जिसको कहते हैं एक सिग्नेचर एलिमेंट बन गया था. तो मुझे लगता है जिस तरह लैंग्वेज बोलने का एक अंदाज़ होता है, पंजाबी बोलने का अंदाज़ होता है, उसी तरह इस गंडासे को हैंडल करना भी है एक मुझे लगता है एक आर्ट है. यू नो इट्स लाइक अ डांस मूव. सो
इसको अब आप इमेजिन करें कि हम वी मिक्स इट विथ मॉडर्न एक्शन और उसके अंदर हमारी एक्शन टीम भी जो है वो बाहर से आई हुई थी एंड उस एक्शन टीम के साथ आप इमेजिन करें कि आपने अपने पंजाबी कल्चर को भी साथ में लेके चलना है और एक मॉडर्न सेंसिबिलिटी को भी साथ में लेके चलना है. तो गंडासा चलाना जो है एक मुश्किल काम है, क्योंकि वो जो पीस था, अब ये प्रॉप पीस जो है ना वो किसी प्लास्टिक या उस तरह की उसमें फैब्रिकेट अच्छा सा हो नहीं पा रहा था, उसकी कोई लुक ही नहीं आ रही थी. तो एंड में जो गंडासा इटसेल्फ था वो एटलीस्ट कोई 7-6 किलो का था होगा. अब उसको घुमाना, उसको चलाना, उससे वार करना, उससे प्रॉपर जो है एक्शन सीक्वेंस निकालना, फाइट करना, इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट. तो ये एक और चैलेंज था जो आपने राइटली यू नो यू ब्रॉट दैट अप. एंड अब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता लगेगा कैसा चलाया गंडा सा. अच्छा, कुछ ये 2-3 चीज़ें बताएं. माहिरा के साथ हम सफर अब आपके 11 साल हो गए और अब कितने सालों बाद हम आपको माहिरा के साथ दोबारा देख रहे हैं, तो आप कैसे इसको महसूस कर रहे हैं? देखिए, पहली दफ़ा आप दोनों बॉक्स ऑफिस चैलेंज फेस कर रहे हैं. बिल्कुल सही कह रहे हैं. एज ऑलवेज माहिरा के साथ कामराडरी बहुत अच्छी है, दोस्ती भी बहुत अच्छी है. एंड आई थिंक इट इज़ इट ये थोड़ी सी नर्वसनेस तो है, बट साथ के साथ आई थिंक खुशी भी है कि एक पुराने दोस्त के साथ बहुत अच्छे बात काम किया और जिन जिन लोगों के साथ काम किया, वो मेमा के साथ भी मैंने बहुत अलग काम किया. वैसे ऑल ऑफ दीज पीपल इन अ फ्रेश इन्वायरमेंट आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, एक फेमिलियरिटी भी थी लेकिन एक थोड़ा डर भी है कि लोगों को पसंद आए ज़रूर और वो जो पीछे एक लेगेसी छोड़ के आए हैं उसको शायद थोड़ा सा कैरी ऑन करें. तो तवक्कोआत तो हैं, आपको भी होंगी, हमें भी हैं. उम्मीद है कि हम आपकी तवक्कोआत पे पूरा उतरें.